हेलो जी, हम आ गए हैं एक और बारी से एक और रेसिपी लेके। ये रेसिपी आज ना सभी को पसंद आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे नानू के साथ फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज सभी खाते हैं, ये थोड़े से अलग फ्रेंच फ्राइज है। ये हम पंजाबी स्टाइल में मखनी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। तो देखो कैसे बन रहे हैं ये फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमने ये देखो काट लिए हैं अपने आलू। ये दो आलू लिए मैंने, ठीक है। इनको थोड़ा सा हमने भिगा दिया था और अब ये कॉटन के कपड़े में डाल के हम इनको सुखा रहे हैं कि ये पूरी अच्छे तरह से सूख जाए। और इसको हम फिर डाल देंगे तेल के अंदर। ये भजाई, ये लिया कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब मिला रहे हैं हम इसमें नमक, थोड़ा सा नमक। ये देखो हम अच्छे से लगा रहे हैं इन पे, आप भी लगा लेना। साइड में हमने तेल को भी गर्म कर लिया है। ये चिपक जाए इनके साथ, फिर हम क्या करेंगे, बस डाल देंगे तेल में। अब तेल हो गया, हम ये डालते हैं। अब इनको मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और 10 मिनट तक इनको आप फ्राई होने दें। और फिर जब ये बन जाएं, क्रिस्पी से हो जाएं, निकाल लेंगे। ये हो गए, इनको निकाल लेंगे। अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने पंजाबी फ्रेंच फ्राइज बनाने की। जो ग्रेवी तो नहीं कहूँगा मैं, ग्रेवी समझना मत, ये हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल की डिप जो हम इन फ्रेंच फ्राइज के ऊपर डालें। तो स्टार्ट करते हैं डिप बनाना। चढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। एक चम्मच देसी घी, ठीक है। ये हमारी बीबी वाला पीनी लाई थी अपने बड़े प्यार से, ससुर वाले से गिफ्ट मिला मैं ये, ठीक है। हाँ, डाल रहे हैं इसके अंदर ये धनिया सीड्स, ठीक है। साथ ही साथ ये थोड़ी सी काली मिर्च है, तो हम इन सबको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, मीडियम आंच पे आप थोड़ा सा भून लें, मसाले बने हमारे। ये डाल दी मैंने इसके अंदर 3 सूखी लाल मिर्च, साथ ही साथ ये 2 लहसुन भी डाल रहा हूँ मैं, और ये थोड़ा सा अदरक। इसको हल्के हाथ से आप रोस्ट करते रहें। जब ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाए आपकी लाल मिर्च, फिर मिलाएंगे इसके अंदर हम 2 प्याज। अब मैं मिला रहा हूँ ये 2 प्याज। अब मिला रहे हैं हम ये 2 टमाटर कटे हुए। जिंदगी में बड़ा गम आ गया, क्या करें, ये चूल्हा चौकटी कर रहे हैं हम, बीवी को खुश करने की कोशिश करे जा रहे हैं। हाँ बीवी, आज हमसे फ्रेंच फ्राइज मंगवा रही है, कल को हमारे बर्गर मंगवाने लग जाएगी, क्या करें। तो कोई नहीं, आप लोग तो खुश हो जाओगे जब बर्गर मिलेगा आप लोगों को, है ना। साथ ही साथ इसमें हम मिला रहे हैं ये स्वाद अनुसार नमक। बीवी हमसे पूछने लग गई, बर्गर कब खिलाने वाले हो मुझे, है ये तो बात ही नहीं थी। वाह वाह, मुंह में पानी आ गया बर्गर का नाम सुनते ही। बताओ ये इसमें फोकस कर लो बीवी। ये हमारे टमाटर देखो, थोड़ा सा हम इसको अब ढक रहे हैं कि जो इसकी अभी टाइट है ना, ये थोड़े से लूज हो जाए, लूज नहीं है, पील ऑफ हो जाए, इतना आता है हमें, ठीक है। तो बस इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम आंच पर थोड़ा सा पानी ऐड करके रख रहे हैं। अभी हमारी बन गई है देखो। अब हम इस गैस को ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, ग्राइंड। बस ये पीस ली थी अपने टमाटर प्याज की ग्रेवी, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं डिप बनाने के लिए, हमने मक्खन लिया, मक्खन डाल रहे हैं अपने, और थोड़ा सा ये हो जाए मेल्टडाउन। उसके बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे ये 2 चम्मच मैदा लिया हमने। अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये मैदा, ठीक है। ये 2 चम्मच ले लिया हमने, और धीरे धीरे हम इसके अंदर मिला रहे हैं दूध। ध्यान रखना लम्स ना बने दोस्तों।
अगर लम्स आपके बन रहे हो तो ऐसे तोड़ दें। अब मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ये चीज हमने आपको दिखाई थी, ये वही चीज है जो हमने अपनी चीज इडली के अंदर मिलाई थी, तो आप देख लेना चीज इडली भी। अब ये हो गया है, अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं ये हमारी ग्रेवी जो लाएगी पंजाबी फ्लेवर हमारी फ्रेंच फ्राइज के लिए, ठीक है, ये मिला लेते हैं। ये बन गई है हमारी, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये आप वैसे भी खा सकते हैं अपने सैंडविच के ऊपर लगा के या बर्गर के ऊपर लगा के, ये ऐसी डिप बनाई हमने खाली फ्रेंच फ्राइज के लिए बनाई, मल्टीपर्पज काम करते हैं दोस्तों, बस पराठों के साथ खाना। बना ली मैंने फ्रेंच फ्राइज पंजाबी स्टाइल में पंजाबी डिप के साथ, तो अब टेस्टिंग की बारी है। ये देखो क्या करारा करारा बना है हमारा ये पंजाबी डिप को लगा के, लचा रही है पीछे बैठे हुए, अभी खा लिया सारे खाई वैसे हमारी बीवी मेरी बीवी तो बड़ा मजेदार डिप के साथ, तो मजा आ गया जो खट्टा फ्लेवर। और ना ये हमने ना इसके ऊपर अगर आप देखें हमारी बीवी दिखा दो थोड़ा सा, ये हमने इसके ऊपर मसाला डाला था, तो आप कोई भी चाट मसाला वगैरह ले सकते हो, लेकिन हमने बना लिया था जिसके अंदर हमने हल्दी लाल मिर्च थोड़ा सा अमचूर और ओरिगेनो यूज़ कर लिया था, नमक, तो बस मैं तो खाता ही चला जाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो और देखो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़। बाय।